Hello everyone, this is lecture for BA final year, semester 6. Today we will discuss about The Merchant of Venice by William Shakespeare. We have already discussed the summary of Act 2nd and today we will discuss about Act 3rd and Scene 3rd. Of The Merchant of Venice by William Shakespeare. Let's start this lecture. जैसा कि हम जानते हैं कि किस तरह पोर्शिया और बसानियो की शादी होती है और नरिशा के ग्रेशियानो के साथ शादी हुई इन एक्ट थर्ड सीन सेकेंड और किस तरह पोर्शिया बसानियो कहती है कि वो अपने फ्रेंड बसानियो की अपने फ्रेंड एंटोनियो की जान बचाने के लिए तुरंत जाए और ये जितना उसको पैसा 2-3000 डुकर्स जो उसने उधार लिए थे वो उसके वो पैसे चुकाए और जल्दी से जल्दी जाए, चाहे इसके लिए उसको 20 गुना पैसा ही ज्यादा क्यों ना देना पड़े। तभी बसानियो चला जाता है तुरंत शादी के बाद, पोर्शिया से शादी करने के बाद, और उसके साथ ग्रेशिया में भी चला जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्ट थर्ड एंड सीन थर्ड समरी ऑफ दैट सीन। दिस सीन इज लेड इन वेनिस, ये सीन फिर वेनिस में चला जाता है। वी सी शाइलोक सेलरिनो एंटोनियो एंड द जेलर इन फ्रंट ऑफ शाइलोक हाउस। इस सीन में हम पाते हैं कि शाइलोक सेलरिनो एंटोनियो और जेलर शाइलोक के घर में हैं। शाइलोक वांट्स द जेलर टू कीप स्ट्रिक्ट वॉच ऑन एंटोनियो लेस्ट ही शुड रन अवे फ्रॉम कस्टडी। शाइलोक जेलर से कहता है कि वो एंटोनियो के ऊपर पूरी अपनी नजर गड़ाए रखे ताकि कहीं वो उसकी कस्टडी से भाग ना जाए। एंटोनियो ट्राइज टू प्लीड विद शाइलोक फॉर मर्सी, और एंटोनियो उसके बार बार गुहार लगाता है कि उसके ऊपर वो दया दिखाए, बट शाइलोक इज डीप टू ऑल हिज अपील। लेकिन शाइलोक के ऊपर इन अपील्स का जो उसके सामने वो अपनी जो क्या नाम है मर्सी के लिए गिड़गिड़ाता है उसका कोई असर नहीं होता। ही टेल्स हिम प्लेनली दैट ही वॉन्ट गिव अप हिज राइट टू हैव अ पाउंड ऑफ एंटोनियस फ्लैश, और वो सिरे से खारिज कर देता है कि वो मना कर देता है कि वो एंटोनियो से एक पाउंड फ्लैश लेके ही रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। ही सेज दैट एंटोनियो हैज ऑफन कॉल्ड हिम अ डॉग, और वो कहता है कि तुमने मुझे हमेशा कई बार कुत्ता कहकर बुलाया है, सो नाउ ही विल एक्ट लाइक अ डॉग ओनली, इसलिए वह एक कुत्ते की तरह ही अब व्यवहार करेगा। एंटोनियो फॉलो शाइलोक विद हिज अपील फॉर मर्सी, एंटोनियो शाइलोक के पीछे पीछे जाता है कि वह उसके ऊपर दया करे, बट शाइलोक आस्क हिम नॉट टू फॉलो हिम एज ही विल नॉट लिसन टू एनी ऑफ हिज अपील्स, लेकिन वो कहता है कि उसका पीछा ना करे क्योंकि उसकी इस अपील का उसकी इस अर्जी का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, इस याचना का कोई असर नहीं होगा। फाइनली एंटोनियो डिसाइड्स नॉट टू रिक्वेस्ट हिम एनी मोर, फिर एंटोनियो कहता है कि जी ठीक है, वो निश्चय करता है कि वह इसके अब उसके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं करेगा, जो होगा देखा जाएगा। ही रियलाइज दैट शाइलोक हेट्स हिम, उसे महसूस होता है कि शाइलोक उससे नफरत करता है, एंड इज बेंट ऑन टेकिंग हिज लाइफ, और वह उसके जीवन लेने पर तुला हुआ है। सेलरिनो ट्राइज टू रीअश्योर एंटोनियो बाय सेइंग दैट ड्यूक विल नॉट अलाउ सच ए पेनल्टी। सेलरिनो कहता है, जो कि एंटोनियो का एक फ्रेंड होता है, कि जो राजा है वो इस तरह के व्यवहार की इजाजत शाइलोक को नहीं देगा, बट एंटोनियो से दैट द ड्यूक कैनॉट गो अगेंस्ट द लॉ, लेकिन एंटोनियो कहता है कि राजा भी जो कानून बन गया कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। इफ द ड्यूक डिनाइज जस्टिस टू शाइलोक, अगर राजा इस
इस निर्णय के खिलाफ जाता है, इस कानून के खिलाफ जाता है और शाइलोक को न्याय नहीं देता, इट विल हैव सीरियस इफेक्ट ऑन द ट्रेड ऑफ वेनिस, तो फिर वेनिस के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, कोई भी व्यापार नहीं करेगा। द अदर कंट्रीज विल लूज देयर फेथ इन द जस्टिस ऑफ वेनिस एंड स्टॉप देयर ट्रेड विद द लैंड, और तो जो दूसरे देश हैं वो भी वेनिस के साथ व्यापार नहीं करेंगे और उनका भी वेनिस के राजा में विश्वास खत्म हो जाएगा। एंटोनियो टेल्स सेलारिनो दैट हिज वरीज ग्रीफ एंड लॉस हैव सो मच अफेक्टेड हिज वेल्थ दैट ही डाउट्स इफ ही वुड बी लेफ्ट विद अ प्राउड ऑफ फ्लैश और शाइलोक। अब एंटोनियो सेलारिनो से कहता है कि उसे इतना दुख हुआ है, इतने कष्ट हुए हैं कि और जिसके कारण उसकी जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो इतना खराब हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे शरीर में एंटोनियो के शाइलोक के लिए एक पाउंड मास बचा होगा। ही प्रेज टू गॉड, वह भगवान से प्रार्थना करता है दैट बेसानियो में कम एंड सी हिम बिफोर हिज एंड्स कम्स एंड कम्स, और कहता है कि मेरे अंत से पहले, मेरी मौत से पहले मुझे एक बार बेसानियो मिल जाए, मैं बेसानियो का चेहरा देखना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।